आप सबको एक स्वरचित कविता सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है ऐसी मेरे देश की सेना है। ना किसी धर्म, ना किसी संप्रदाय और ना किसी सरकार से लेना देना है, ऐसी मेरे देश की सेना है। घाटी में जब जब आतंकवाद का कड़ा पहरा रहता है, तब तब हर नापाक इरादों को तबाह करता हुआ हिंदुस्तानी बम का बारूद कहता है कि ये गीदड़ों का झुंड नहीं, शेरों की सेना है, जिसे ईंट का जवाब पत्थर से देना है। ये सेना है उन वीरों की, जो आतंकों को से दूर से भाप जाती है और जिनके सिर्फ नाम से ही दुश्मनों की रूह तक कांप जाती है। जो देश के लिए उज्जवल कल लाते हैं और दुश्मनों के लिए काल, जिनकी वीरता ही पहचान है और तिरंगा ही जिस्म की छाल। जिनका हम आप तो क्या देवता भी सम्मान करते हैं और जिनके अदम्य साहस और बलिदान पर सारे भारतीय अभिमान करते हैं। जो आतंक की गर्दन दबोचने के लिए नागपाश बनाते हैं और मौत के मुंह में भी दुश्मनों की देह को लाश बनाते हैं। जो हमारे राष्ट्रध्वज तिरंगे को आकाश में फहराते हैं और कारगिल जैसे युद्धों का उरी की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट की एयर स्ट्राइक में इतिहास दोहराते हैं। जिनके कदम शत्रु को देखकर पीछे हटते नहीं, बल्कि उनके कल को काल में बदलने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। जो अपनी गोलियों की बौछार से दुश्मनों को थर्राते हैं, वो वीर भारतीय सशक्त सेना के जवान कहलाते हैं। और एक बार मैं फिर कहना चाहूंगा कि यमराज भी जिनका साथी है और स्वराज जिनका गहना है, ऐसी मेरे देश की सेना। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।